subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर। जी हां, जय शाह से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, और साथ ही साथ जय शाह के मामले में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक बयान दिया था। अगर मैं आपको बीते कुछ दिनों पहले की बात बताऊँ तो जय शाह पर आरोप लगा था कि जो कंपनी जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही थी, अचानक से कंपनी का टर्नओवर 16 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और अगर देखा जाए जिस तरह से उन्होंने कंपनी को मुनाफा पहुंचाया तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब इस मामले को मीडिया में उठाया गया तो साफ तौर पर मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया, यानी कि उनसे इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए जो है मना कर दिया गया। और अब बात करता हूं अगर नीरव मोदी की, तो देखिए एक जय शाह थे, जय शाह जिन्होंने अपनी कंपनी को जिनकी कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा हुआ, और एक तरफ है नीरव मोदी। नीरव मोदी की अगर मैं बात करता हूं तो नीरव मोदी को देखिए जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है, और जिस तरह से अगर बात करूं पीएनबी घोटाले को लेकर, जिस तरह से उन्होंने 11,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किया, और सबसे बड़ी बात है घोटाला करने के बाद वो विदेश फरार हो गए, और कहीं ना कहीं इस पर सरकार भी जो है निशाने पर आ गई है, मोदी सरकार। और इस तरह की बात भी नज़र आ रही है कि मोदी सरकार की देख रेख में ही हो सकता है जो है इस तरह का घोटाला हुआ है, और कहीं ना कहीं मोदी पीएम मोदी की अगर बात करता हूँ तो पीएम मोदी दावोस में नीरव मोदी के साथ नजर भी आए थे बाकायदा फोटो में। तो ये सब चीज़ें इस और इशारा करती है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही थी, सरकार की मिलीभगत से नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया। अगर मैं जय शाह की बात करता हूँ तो जय शाह के मामले में हम थोड़ा सा अलग देखने को मिला। इसमें ये देखने को मिला कि जय शाह की कंपनी को थोड़े ही दिनों में इतना बड़ा जो है मुनाफा हुआ था, और 16,000 मायने रखता है, 16,000 गुना से ज़्यादा की जो है कह सकते हैं 16,000 गुना से ज़्यादा जो है कंपनी का टर्नओवर बढ़ा था। तो देखिए जिस तरह से सरकार में रहते ही इतना ये सब चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर जय शाह की बात करता हूँ तो जय शाह का मामला दबा दिया गया था। मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले को ज़्यादा ना तवज्जो दी जाए, इस मामले पर जो है मीडिया चुप रहे। तो आखिरकार क्यों जो है इस मामले पर मीडिया चुप रहे? और अगर जय शाह की बात करता हूँ तो जिस तरह से देखिए कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा हुआ था और कुछ पता ही नहीं चला था कि अचानक से कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा कैसे हुआ, तो ये उस समय चर्चाओं का विषय था। तो देखिए नीरव मोदी का मामला इन दिनों चर्चाओं में तो है जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया, लेकिन अगर बात करता हूँ जय शाह की तो जय शाह का मामला जो है चर्चाओं में था, लेकिन सरकार ने दबाव बनाया कि मीडिया के साथ साथ जो है सभी लोग चुप रहे और इस मामले पर कुछ ना बोले। तो देखिए जिस तरह से अपने ही पार्टी के जो नेता हैं उनके वो लोग जो है खुलेआम तौर पर जो है कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा जो है खेल खेलते हैं, घोटाला करते हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। और बात करता हूं जिस तरह से सरकार में लापरवाही बरती जा रही है, तो ये सब चीज़ें इस और इशारा करती हैं कि सरकार की मिलीभगत से ही इस तरह की चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जरूर मिली हुई है, और इसी वजह से जो है इतना बड़ा जो है बात कर सकते हैं घोटाला भी होता है और कंपनी को मुनाफा भी होता है। जी हाँ, कंपनी के मुनाफे की अगर बात करता हूँ तो जय शाह को जिस तरह से कंपनी जो है मुनाफे में गई थी। देखिए इस मामले पर भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से मुखर होकर बेबाकी से बोला था। देखिए उन्होंने अपनी बातचीत करते हुए कहा था कि जब से जय शाह पर इतने गंभीर आरोप लगे तो उसे दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। बेबाकी से जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने खास तौर पर बोला था इस मामले पर भाजपा सांसद। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा वही नेता है जो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ अक्सर बयान देते आए हैं, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से उन्होंने खुलकर समर्थन किया था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि
अमित शाह यानी जय शाह मामले पर क्यों नहीं जो है बोला जा रहा है, और मीडिया से क्यों जो है छुपाया जा रहा है, और ना इसको तवज्जो देने की बात की जा रही है। आइए मैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाता हूँ किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले को लेकर क्या कहा था। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुखर होकर विभागी से बोला था कि एनडीटीवी से उन्होंने बात भी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि जय शाह पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उसे दबाने की कोशिश क्यों की गई है, सच को आगे आना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पारदर्शिता सबसे सामने आनी चाहिए। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा काफी समय से अपनी ही पार्टी की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि इस बार पार्टी के ही वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी गिरती अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार बीजेपी को बताया था। इसके बाद पार्टी प्रमुख के बेटे पर लगे गंभीर आरोप का बचाव करने उतरे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर भी भड़के थे। उन्होंने पीयूष गोयल का अपना अच्छा मित्र बताया, लेकिन अमित शाह के बेटे के बचाव में उतरने पर हैरानी जताई और कहा कि कभी यशवंत सिन्हा और मेरे बचाव में तो नहीं उतरे। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि जय शाह मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी मामला हो, जो भी दोषी हो, उसको सजा होनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ लहजों में कहा कि जब घोटाला हुआ है या फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसे किस तरह से प्रॉफिट हुआ ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा, ये कहना था शत्रुघ्न सिन्हा का। हालांकि इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी चुप थे। और देखिए जय शाह का मामला जिस तरह से सुर्खियों में छाया था वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अलग था, और उन सब बातों को अगर देखा जाए और जोड़ा जाए तो साफ साफ इसका पता चलता है कि सरकार के रहते हुए जो है उनके अपने ही नेता घोटाला भी करते हैं और उनके अपने ही लोग जो है कह सकते हैं कंपनी को मुनाफा भी पहुंचाते हैं, उनके अपने ही लोग जो है बैंकों को जो है कर्ज में भी डालते हैं और फिर जो है अपना किनारा नाप लेते हैं और किनारा कर लेते हैं अपना। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर मोदी सरकार की बात करूं तो जिस तरह से लापरवाही बढ़ती गई है और जिस तरह से देखने को मिला है कि नीरव मोदी मामले में भी कि सरकार ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया और सरकार के जो है निगरानी में ही कह सकते हैं कि सरकार की लापरवाही के चलते ही इतना बड़ा घोटाला हुआ। और देखिए सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो शिवसेना प्रमुख है उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने खुद कहा था कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो नीरव मोदी है वो पीएम मोदी को जो है वो इलेक्शन के दौरान जो है वो बजट इलेक्शन के दौरान जो है वो उन्हें फंड भी देते थे नीरव मोदी। तो देखिए जिस तरह से खुलकर उन्होंने साफ कहा है। हालांकि अगर मैं शिवसेना की बात करता हूं तो वो भी हमेशा से जो है बीजेपी के खिलाफ बोलती आई है और हमेशा से उनके पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसती आई है। और अगर यहाँ हम बात करें जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने जय शाह के मामले पर बोला था, देखिए उन्होंने साफ कहा था कि सरकार में मंत्री न बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि आडवाणी जी का साथ देना बगावत है तो वो बागी हैं, मुझे उनका साथ ना दिए जाने की वजह से अनदेखा किया गया। तो देखिए उन्होंने इशारों इशारों में ये भी क्या इस बात का भी जिक्र कर दिया कि वो कहीं ना कहीं खफा क्यों है और क्यों वो पार्टी के खिलाफ अक्सर बगावती तेवर जो है बोल दिया है। उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने आडवाणी जी का साथ दिया और आडवाणी जी का साथ देने की वजह से उन्हें दरकिनार किया गया। लाल किश आडवाणी की अगर मैं बात करता हूं तो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा नाराज थे कि उन्हें जो है पीएम नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो वो उस वजह से काफी नाराज थे और इन्हीं वजहों के चलते वो बीजेपी पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं और विरुद्ध बोलते रहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो है पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा था। और अगर नीरव मोदी वाले मामले की बात करते हैं, जैसे जय शाह वाले मामले में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, वैसे अगर नीरव मोदी वाले मामले में मैं बोलता हूँ, नीरव मोदी मामले में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा था कि जो चौकीदार हैं वो जागते रहे और जो उद्योगपति हैं या फिर जो चोर थे वो फरार हो गए, यानी कि जो सेना यानी कि कह सकते हैं जो चौकीदार थे वो सो रहे थे। तो यानी कि इस तरह से तंज कसा गया पीएम मोदी पर। और वाकई में जिस तरह से देखिए देखने को भी यहाँ पे मिला है कि जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला हुआ, और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार
जो है सोती रही और इतना बड़ा उद्योगपति जो है उसने इतना बड़ा घोटाला किया, बैंक को इस कदर कर्ज में डुबा दिया, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक कुछ ना कुछ सवाल या निशान भी खड़े करते हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मामले पर निशाना साध रही कि सरकार की मिलीभगत से नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया और वो विदेश फरार हो गया। बहरहाल इस मामले पर अभी जांच चल रही है और नीरव मोदी के कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार नीरव मोदी कब जो है देश लौट कर आएगा और कब जो है उस पे उससे जो है और जो उसने बैंक को घाटा पहुंचाया है उससे और रकम किस तरह से ली जाएगी। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।